हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं नवरात्रि के लिए स्पेशल थाली तैयार की हूँ। उसमें आज मैंने साबूदाना का खीर बनाया है। तो खीर कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक तरफ मैंने बॉईल किया, दूध डाला है और साबूदाना को मैंने कम से कम आप आधा घंटा 45 मिनट के लिए भिगा लीजिए। और इस तरह से फूल जाता है चार साबूदाना, दाना दाना एकदम अलग हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। उसके बाद मैंने उबला दूध में ये साबूदाना डाला है, एक कटोरी साबूदाना है। और इस उबले हुए दूध में इसको डाल के थोड़ा सा बॉईल करना है, क्योंकि ऑलरेडी पक गया है, क्योंकि फूला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें बहुत सारा ढेर ड्राई फ्रूट मैंने डाला है, हर तरह का, काजू किशमिश पिस्ता बादाम जो भी आपको डालना है ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इलायची डाला है, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, आपको चीनी जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा आपको चाहिए। और बस एक बॉयल आने तक इसको पकाना है, बहुत आसानी से पक जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और देखिए चीनी मैंने डाल दिया है, चीनी आपको कितना चाहिए वो हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और ये देखिए मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। और आगे की रेसिपी आपको और मिल जाएगी। नवरात्रि के लिए मैंने थाली तैयार किया है। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये देखिए बन के तैयार हो गया है, बस गर्मा गर्म सर्व करिए। बाय।